आप में से कितने लोग हैं, जितने आस्था पर सुन रहे हो, जितने मोबाइल पर सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, कितने लोग हैं आप में से जो मंदिर जाते होंगे तो मंदिर में गंदगी देखकर वापस आ जाते होंगे? कोई है ऐसा? अगर मंदिर आप जाते हो शंकर जी के, तो शिव मंदिर में जाते हो, अगर आपको कहीं गंदगी नजर आती है तो आप पोछा लगाकर आ जाते हो। ये चीज आपने शिव महापुराण से सीख ली कि शंकर के मंदिर अगर हम जा रहे हैं, शिव के मंदिर अगर हम पहुंच रहे हैं, तो वहां पर एकदम सफाई रखना, हमें शिव मंदिर में आनंद रखना। अब भगवान शंकर की दृष्टि खुली, क्योंकि स्तुति ऋषियों ने, संतों ने, साधुओं ने, साधकों ने, उपासकों ने करी, दृष्टि खुली। और जब दृष्टि खुली, जैसे ही दृष्टि खुली तो नंदी की ओर दृष्टि गई। भगवान ओघरदानी भगवान शंकर ने देखा नंदी को, आवाज लगाई, नंदी नंदी, ओ नंदी, आवाज लगाई। नंदी हिला नहीं, विष प्रबल था जिसको भगवान शंकर ने पिया था, प्रबल विष। नंदी फिर आवाज लगाई पर नंदी हिला नहीं। थोड़ी देर बाद देवाधिदेव महादेव, जिन्होंने कंठ पर को रखा था, वो उठकर खड़े हुए। सारे ऋषि साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक संत महात्मा सारे की सारे स्तुति गा रहे हैं। शंकर भगवान ने सबसे पहले नेत्र खोले तो उन साधु संत सन्यासी तपस्वी साधक उपासक स्तुति गाने वाले पर नहीं गई भगवान की दृष्टि। अगर भगवान की दृष्टि गई तो नंदी पर गई। क्यों? शिव महापुराण की कथा कहती है, ढोंग करने वाले और भजन करने वाले भगवान अच्छे से पहचानते हैं कि ये क्या कर रहा है। 2 घंटे तक माला लेके बैठ गए, भगवान को मालूम है। कौन फूल लेकर आया है और कौन दिल लेकर आया, भगवान को मालूम है। बिल्कुल नहीं बताया जाता भगवान को। भगवान को यह ज्ञात है कि कौन मेरे लिए आया है और कौन स्वयं के लिए आया है। एक बात जरूर कहूंगा, अभी शिव मंदिरों में जितनी तुम्हें भीड़ नजर आती है ना, ये दिखावे की भीड़ नहीं है, ये शंकर के गणों की भीड़ है, शिव के भक्तों की भीड़ है, ये शंकर के भक्तों की भीड़ है। ये दिखावे की भीड़ नहीं है शिव मंदिरों में। अभी जो तुम सोमवार के सोमवार दर्शन करते हो, शंकर भगवान के मंदिर में पशुपति व्रत होते हैं, सोमवार का आनंद होता है, लोग मंदिर में 5-5 दिए लगा कर जाते हैं, ये दिखावे की भीड़ नहीं है, ये दिल से जुड़े हैं भगवान शंकर से। इसलिए शायद मेरा भोलेनाथ, मेरा ओगड़ी, मेरा शंकर दिल से देता भी है। एक एक पत्र आया बड़ा सुंदर, कुलदीप सेन चिंतामन गणेश उज्जैन से आए, कहीं बैठे होंगे आप ये। जरा खड़े हुए, माइक दीजिएगा। आपने लिखा है कुलदीप जी कि शादी के लिए 3 वर्ष से घर के लोग परेशान थे, आपने लिखा है। हाँ लिखा था वो। अब विवाह का क्रम हुआ? हाँ होगा। हो गया? हाँ। यहाँ पहले आए थे आप? हाँ आए थे 22 तारीख 22 अक्टूबर को आए थे। हाँ। और दूसरी बार अभी आए हो, जनवरी है। हाँ। अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने में बाबा ने वापस बुला लिया। हाँ। विवाह हो गया? हो गया। बाबा की बधाई, बहुत बहुत। बैठिए विराजी, श्री शिवाय शिवाय।
बहू आई है साथ में? बहू आई है? अच्छा दोनों आए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई, बाबा की कृपा। शिव उपासना में इतना विश्वास जरूर है मेरा, ये शिव महापुराण के प्रति समझ लो, चाहे मेरे ओघड़ दानी के प्रति समझ लो, मेरे शंकर के प्रति समझ लो, कि 2 साल से आप लगातार आस्था चैनल पर शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, और अगर मंदिरों में आप जरा रही है सोमवार की सोमवार, तो ये दिखावे की नहीं है, ये शंकर के गणों की भीड़ है, ये शिव भक्तों की भीड़ है। और दिल से विश्वास रखकर एक पत्र और बड़ा सुंदर आया है महाराज, देखिए। गुरुजी प्रणाम, में सुशीला पंचाल मूसाखेड़ी मयूर नगर इंदौर से आई हूं। कहीं बैठे हैं क्या? उन्होंने पत्र लिखा है, मेरे पति की नौकरी चली गई थी गुरुदेव, इस पत्र में लिखा हुआ है। सोमवार की अष्टमी का 31 चावल के दाने, 31 बेलपत्र, 31 मूंग के दाने आपने चढ़ाने का उपाय बताया था। इस पत्र में लिखा है गुरुदेव, वो अष्टमी सोमवार की अभी गई है जिस पर मैंने ये किया था, और जिस समय नंदीश्वर पर मैं मूंग के दाने चढ़ा रही थी, तभी मेरे पति की नौकरी के लिए ऑर्डर आ गया और मेरे पति की नौकरी लग गई। ये पत्र में लिखा है। बहुत बहुत बधाई हो, ओघड़ दानी की कृपा है ऐसी, आप दिल से करो तो। आप बताओ सोमवार की अष्टमी कब गई है? अभी गई ना, अभी करे। आप लोगों ने उसको अनुष्ठान करा होगा और बाबा से विनय ही करी होगी। आप दिल से इतना विश्वास रखो कि शिव मंदिर में जो भीड़ बड़ी है, शंकर के मंदिर में जो लोग जा रहे हैं, ये दिखावे के नहीं है, किसी के द्वारा भेजे गए नहीं है, ये शंकर को दिल में रखकर शंकर के दरवाजे जाकर शंकर को दिल से रिझा रहे हैं, ये शिव के गण के स्वरूप है। ये शंकर की निंदा नहीं सुनने वाले में से, ये शिव की निंदा नहीं सुन सकते, ये शंकर के भगत हैं, शिव के उपासक हैं, शंकर के भक्तों के आनंद में जैसे नंदी भृंगी श्रृंगी ये सारे जो शिव के गण हैं, उन नामों में मुझे विश्वास है कि जो शंकर की स्तुति कर रहे हैं, शंकर का भजन कर रहे हैं, शिव महापुराण को नित्य श्रवण कर रहे हैं, ये मेरा विश्वास कहता है कि ये भी शंकर के गणों की गिनती में ही आएंगे, ये पीछे नहीं हटने वाले, ये शिव के अपने हैं, कोई दूसरे नहीं। नंदी भगवान शिव का ध्यान किसी पर नहीं गया, ना साधु पर, ना संत पर, ना सन्यासी पर, ना तपस्वी पर, ना साधक पर, ना उपासक पर। भगवान शंकर का अगर ध्यान गया तो सीधे नंदी पर गया। क्यों? क्योंकि भगवान को ये मालूम था कि ये स्तुति कर चले जाएंगे, पर सबसे प्रबल अगर किसी ने काम किया है, इन्होंने तो शिव जी के नेत्र खुले कब करी, क्योंकि मैंने विष पिया, पर इससे भी प्रबल अगर काम किसी ने करा है, संसार के लोगों को बचाने का काम करा है, तो ये जो नीचे बूंद गिरी है, इस बूंद को जो नंदी ने चाटा है, इसने सबसे प्रबल काम किया। स्तुति करने वालों से ज्यादा प्रबल है कर्म करने वाला। अरे भाई, स्तुति करने वालों का तो क्या है, जिसके गले में माला आती है लोग स्तुति उसी की करने लगते हैं। बोलो सही है कि गलत है? तुम्हारे नगर में, तुम्हारे क्षेत्र में, तुम्हारे मोहल्ले में जो एमएलए का चुनाव लड़ रहा है, जो सांसद का चुनाव लड़ रहा है, जो मंत्री का चुनाव लड़ रहा है, जो अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहा है, जो उपाध्यक्ष का चुनाव लड़ रहा है, कोई पार्षद आदि का चुनाव लड़ रहा है, तो जो जीत गया है, सारे घर के लोग, परिवार के लोग, मोहल्ले के लोग, नगर के लोग पहले दूसरे को माला पहनाते थे, वो हार गया, उसको ना पहना कर किसको पहनाएंगे? जो जीत गया उसको।
और उसके बाद भी अगर कोई दूसरा जीतता है तो लोग उसको पिनाएंगे, उसके बाद भी कोई दूसरा जीतता है तो लोग उसको पिनाएंगे, फिर उसकी स्तुति करेंगे, उसका गुणगान करेंगे, उसका भजन करेंगे कि उसने ऐसा कर दिया। अरे स्तुति, मेरे शंकर कह रहे हैं, मेरे ओघड़दानी, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे शंभू कह रहे हैं स्तुति और माला तो ये मिल सकती है, मना नहीं। वो कितने समय की होती है? थोड़े समय की, पर गुणगान भगवान का जो कर्म करा है नंदी ने वो कहने के लायक नहीं, हृदय से लगाने के लायक है। और भगवान मेरा ओघड़दानी, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा शिव उठा, और मेरा शंकर, मेरा ओघड़दानी, मेरा शंभू, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी। और एक निवेदन आपसे करें, जैसे हम कहते हैं ना कि मेरा शंकर, ऐसा आपको भी दिल से कहना चाहिए, जम के बोलो मेरा शंकर। एक ही तो है जिसको अपन मेरा कह सकते हैं, बाकी के तो सब सब मतलब के यार हमने देख लिया। झूठे नाते झूठे रिश्ते, अरे झूठा है संसार हमने देख लिया। ये हम एक ही को तो अपना कह सकते हैं। किसी किसी को इसमें भी लगता है कि गुरुजी मेरा शंकर क्यों कहते हैं, उनका है क्या? तो तुम छाती ठोक के कहो कि मेरा है, तुम भी कहो। और हम तो कहें मेरा है बस मेरा है वो ओघड़दानी मेरा है, मेरा है बस मेरा है वो ओघड़दानी मेरा है, नहीं किसी का और वो बंधु, नहीं किसी का शिवदानी बस मेरा है, मेरा है बस मेरा है ओ घड़दानी मेरा है। देखो विश्वास रखकर करना तुम्हें पड़ेगा, तुम खाओगे तो तुम्हारा पेट भराएगा और हम खाएंगे तो जम के बोलिए जरा हमारा भराएगा। बेटा खाएगा बेटे का, माँ खाएगी माँ का, पिता खाएगा पिता का, भाई खाएगा भाई का, दोस्त खाए दोस्त का। प्लेट सामने रखी है ठीक है, और प्लेट सामने रखी है तो क्या पेट भरा जाएगा? जम के तो बोलो जरा भराएगा नहीं, प्लेट रखी है और पेट नहीं भराएगा। खाना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा, रोटी का टुकड़ा तोड़ना पड़ेगा, मुख में डालना पड़ेगा। मुख में डाल भी दिया तो दांत से चबाना पड़ेगा, जिभ्या से उसका स्वाद लेना पड़ेगा, गले में उसको घटकना पड़ेगा। महाराज कर्म इंद्रियां भी कर रही है तो कर्म अपने को भी करना, कर्म प्रधान है। गीता जी में भगवान कृष्ण कहे कर्म प्रबल। और कर्म की प्रबलता, कर सेवा तू लगन लगा के, मन में सच्चा भाव जगा। कर्म प्रबल करो। भगवान शिव गए नंदी के पास में और नंदी के गले में बैया देकर शंकर भगवान ने कहा नंदी के कानों में, उठो नंदी उठो। एक बार ये कथा कहीं कही तो किसी ने कहा गुरुजी वो शंकर भगवान ने नंदी से क्या कहा था?
तो ये तो नहीं मान कि नंदी से क्या कहा था, पर इतना जरूर कहा होगा, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। ये चेतना दे देता है मन। जनमानस को चेतना प्रदान कर देता है ये मन। नंदी उठा, शिवजी को देखा, आज भोलेनाथ जी मेरी पीठ पे बैठने की जगह मेरे गले से लगे हुए। नंदी ने पूछ लिया, प्रभु क्या बात है, आज आप मेरे गले लगे हो? शंकर भगवान ने कहा, नंदी आज तूने सिद्ध कर दिया कि शिव का गण कैसा होता है। आज तूने सिद्ध कर दिया कि शंकर का गण कैसा होता है। शंकर का गण, शंकर का भक्त, शंकर की उपासना करने वाला कभी किसी को कष्ट में नहीं देख सकता, ये तूने सिद्ध कर दिया। मेरी बूंदें फिश की नीचे गिरी और तूने जिभ्या से पोंछ दिया। शिव जी के शब्द सुने तो नंदी ने कहा, प्रभु सांप बिच्छू इस बूंद को ग्रहण कर लिए थे, वो जहरीले हो चले थे। मैंने विचार करा, ऋषिवर आ रहे हैं, गुरुवर आ रहे हैं, वो भी पड़ा हुआ देखेंगे तो कुछ पा लेंगे, पाएंगे, संसार विषैला हो जाएगा भगवान, इसलिए मैं उसको चाट गया। शिव जी ने वर प्रदान कर दिया, नंदी मैं तुझे वर देता हूं, संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए तूने विष, जैसा मैंने पिया संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए विष, उसी तरह तूने भी संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए विष धारण करा है। जहां शंकर रहेगा वहां तू रहेगा। और सुन नंदी, संसार में जिसके दरवाजे पर तू लेकर जाएगा ये शंभू, वहां उतरकर उसका कल्याण कर कर आएगा। ये शंभू शिव कह रहे हैं नंदी। इसलिए निवेदन है, कई लोगों ने कहा, गुरुजी आपने सोमवार की अष्टमी के दिन नंदी के सामने मुंह क्यों चढ़वाई, 31 दाना, तो उसका वर्णन शास्त्र आनंद में कर रहा है सब। कितना वो तुम तो नंदी पे भी जान दो, तुम तो अभी अपने यहाँ जैसे दूल्हा दुल्हन की शादी हो ना, छोरा छोरी की, तो जब छोरे की शादी होती है ना, तो जब वो घोड़ी पे चढ़कर जब दूल्हा बनकर जाता है, तो तुम तो नंदी के सामने मूंग की बात करते ना, घोड़ा घोड़ी पे जो चढ़ के जाए तो उसको चने की दाल गला के खिलाए, तो अब तुम वो दूल्हे की माँ से पूछो, क्यों रे माता जी, काकी जी ने, बुआ जी, तुमने इसको चने की दाल क्यों खिलाई, पूछो वो घोड़ी के क्यों खिलाई, वह घोड़ा के क्यों खिले, पूछा जाए जरा कि उस घोड़ा घोड़ी के चने की दाल क्यों खिलाई, तो क्या इसलिए खिलाई कि मेरा छोरा घोड़ी पे चढ़कर जाएगा, जिसके दरवाजे पर जाना है, इस चने की दाल को मैं खिलाकर भेज रही हूं कि कहीं इधर उधर 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 पड़ा हुआ सामान ना खाकर मेरे छोरे को लक्ष्य तक लेकर जाना और जिसके द्वार जाना है वहां तक पहुंचाना। हमने नंदी पर 31 मुंह क्यों चढ़ाए कि शंभो मेरे हृदय की बात को याद रखना भोलेनाथ, मेरे नंदीश्वर भगवान, मेरे चित्त में जो मन में चल रहा है इसको लक्ष्य तक पहुंचाना, और आप ही हो जो शंकर को मेरे दरवाजे तक लेकर आ सकते हो, इसलिए मुंह चढ़ा, आप हो जो शिव को मेरे द्वार तक ला सकते हो, कोई दूसरा नहीं। नंदी को गले से लगा लिया, कितना फलित, कितना आनंदित होंगे। इसलिए शायद शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर का अनुमोदन कहता है, शिव महापुराण वर्णन करती है, स्कंद पुराण में शंकर का पावन चरित्र कहता है, स्वयं भगवान शिव की लीला करती है कि एक बार रावण लंकाधिपति कुबेर को जीत कर आ रहा था, और रावण लंकाधिपति जब कुबेर को जीत कर आ रहा था तभी बीच मार्ग में भगवान नंदीश्वर दिख गए, कैलाश पर गए, और नंदी को देखा तो हंस दिए। नंदी को देखकर हंस रहे,
कि बताओ नंदी का मुख देखो, शरीर मनुष्य का है और मुख बेल का लगा हुआ है। अरे जब ये नंदी हुए थे ना, पृथ्वी से प्रगटे थे, सुंदर बालक थे, बड़े सुंदर, इतने सुंदर थे, इतने सुंदर थे, शिव महापुराण की कथा कहती है जैसे मेरे भोलेनाथ सुंदर थे ऐसे नंदी सुंदर थे। शिलाद ब्राह्मण के घर में जब जन्म हुआ, इतने सुंदर, इतने सुंदर, इतने सुंदर, कहते हैं देवलोक में जितनी अप्सराएं थी वो नंदी को देखकर उनकी ओर आसक्त हो जाते, इतने सुंदर थे भगवान। अब लोग कहते हैं ये गणों ने कोई सी पुस्तक लिखी है क्या? हमारे यहां तो पढ़े लिखे लोग पुस्तक लिखते हैं, पर शंकर भगवान के गण कोई पुस्तक लिख सकते हैं क्या? कोई आंखों से चार, कोई मुंडा से पांच, कोई छह, कोई का पांव नहीं, कोई का हाथ नहीं, कोई का पेट नहीं, कोई की छाती नहीं, ये कोई पुस्तक लिख सकते हैं? हाँ, शंकर भगवान के गण नंदी ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था कामशास्त्र। उन्होंने भी लिख दिया, एक शास्त्र लिखकर दे दिया, देवलोक की अप्सराएं, देवलोक की देवताओं के धाम में निवास करने वाली अप्सराएं नंदी को देखकर इतने आनंद में, इतना सुंदर बालक, इतना सुंदर बालक, इतना सुंदर बालक, बस इतना सुंदर, इतना सुंदर, जितने मेरे देव अधिदेव महादेव सुंदर, क्योंकि शंकर का ही तो एक स्वरूप है नंदी, जितने शिव सुंदर, कर्पूर गौरम करुणावतार संसार सारं बुजगेरा सदा संतं विजगार वंदे भवं भवानी सहितं। इतने सुंदर है जो कर्पूर गौरव, कर्पूर के स्वरूप की तरह नंदी भी इतने सुंदर, मेरा शंभू भी इतने सुंदर, मेरा विश्वनाथ, मेरा महांकाल राजा, मेरा कैलाशी, मेरा कुबेर भंडारी, मेरा कुबेरेश्वर महादेव इतना सुंदर, नंदी भी सुंदर, शिव भी सुंदर। अब नंदी को देखकर सब आसक्त हो जाए, तो नंदी ने विचार करा कि अगर मैं इतना सुंदर रह गया और शंकर जी की सेवा में रहा और लोग शिव जी के दर्शन करने आए, शिव के धाम में पहुंचे और मुझसे मिले, ये अच्छी बात थोड़ी ना। उन्होंने शंकर जी से कहा, भोलेनाथ, शिव जी ने कहा मांग तुझे क्या चाहिए? प्रभु प्रभु, हाँ, मेरा चेहरा पशु का कर दो, बैल का कर दो, वृषभ का कर दो। शिव जी ने कहा इतने सुंदर नंदी का चेहरा अगर मैं वृषभ का बनाऊंगा, बैल का बनाऊंगा, अच्छा लगेगा? नंदी का नहीं लगेगा। प्रभु आप तो मेरा चेहरा वृषभ का कर दीजिए, बैल का कर दीजिए। शिव जी ने कर दिया, ठीक है। जितने गण तुमको पीछे फोटो में दिख रहा है, जितने, एक भी सही साथ ठिकाने का दिख रहा है? एक भी कहीं 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 का ठिकाने का दिख रहा हो कि तुम किसी को वो कौन सा सुंदरी का अवार्ड होता है? हाँ, जो भी हो भगवान, ऐसा कोई अवार्ड इनमें से एक आध को देना हो तो बता दो, जितने गण दिख रहे हो तुम। शिव जी के गणों में कोई तो अच्छा, सुंदर सब है, सब सुंदर है, तो कैसे कह सकते हो कि सब सुंदर है? तो शिव महापुराण की कथा में कहा है, सत्यम शिवम सुंदरम, मतलब जो सत्य के मार्ग पर चलता है उसको शिव मिल जाता है, और जिसको शिव मिल गया उसका जीवन तो वैसे ही सुंदर
हो जाता है। तो हमको लग रहा है कि ये सुंदर नहीं है, हमको लग रहा है कि इन्होंने रूप बदल कर रखा है, कोई 12 आंख रखे, कोई 12 हाथ रखे, कोई पांव रखा, कोई सिर रखा, पर इनकी सुंदरता भले हमें लगे कि ये सुंदर नहीं दिख रहा है, पर ये हृदय के सुंदर। संसार में दो तरह के लोग होते हैं साहब, एक सुंदर तो बहुत दिखे, बहुत सुंदर साहब, अरे उनकी बहू ऐसी जोरदार, अरे उनकी बेटी ऐसी जोरदार, ने उनका छोरा इतना जोरदार, ने उनकी काकी ऐसी सुंदर इतनी बढ़िया, फिर क्या, फिर वो ऊपर रह रही अपन नीचे रह रहे, मतलब केवल चेहरे की सुंदरता थी पर भीतर की सुंदरता नहीं, भीतर की सुंदरता नहीं। महाराज खूब सुंदर थे नंदी, नंदी ने कहा नहीं नहीं प्रभु, मेरे को ये स्वरूप नहीं चाहिए, मेरे को तो आप पशु का स्वरूप लगा दो, वृषभ का स्वरूप लगा दो और मेरा ये स्वरूप बना दीजिए नाथ, मुझे ये स्वरूप नहीं चाहिए। भगवान ने कहा अरे नंदी तेरा स्वरूप बिगड़ गया, नंदी स्वरूप से मतलब नहीं, आप तो दाता तेरे चरणों के होना हमें दास है, तेरे चरण रज बुझानी हमें कुछ नहीं चाहिए, आप तो अपना बनाकर रखो, जैसे हैं आपके रहें बस। भगवान ने उसको वृषभ का मुख लगा दिया, नंदी का मुख, बैल का मुख लगा दिया। महाराज सामने से लंकाधिपति रावण आ रहे थे, और कहां से आ रहे थे, कुबेर को जीत कर। अब कुबेर पर आक्रमण कर कुबेर पर विजय प्राप्त कर कुबेर को जीत कर आ रहे थे, तो इनके भीतर अहंकार आ गया, लंकाधिपति रावण के भीतर अभिमान। जब कोई जीत कर आता है ना कुछ जीत कर आए, भले चाहे तुम चुनाव जीत कर आओ, चाहे पद जीत कर आओ, चाहे कोई वस्तु जीत कर लाओ, चाहे कोई सामग्री जीत कर लाओ, चाहे तुम कुछ भी। एक वो साधारण सा पहले होता था ना, ऐसे तखत पे पाउडर का डब्बा रख देते, साबुन धर देते, ऐसा एक आध दो सामान और धर देते, सरफ की थैली और ऐसा उसमें रिंग रहता, ऐसा फेंकते, उसमें अगर रिंग आ गया तो सामान जम के, तो बोलो तुम्हारा, बस वो रिंग अगर उस पर गिर गया तो वो तुम्हारा सामान। अब लोग उसको चार रिंग ले लें, भैया मेरे को 2 रुपया का चार रिंग दे दो, चार रिंग लिया और एक एक फेंके, और पाउडर का डिब्बा जैसे ही उसका खुल गया, अब वो तो इतना खुल गया, खुलते से अब पाउडर का डिब्बा 5 रुपए का और खुला इतना 50 रुपए का इतना, अब ये कब तक खुलेगा, जब तक घर नहीं जाएगा, और घर गया ना और जो पाउडर का डिब्बा दिया, इतने में घर के लोगों ने मम्मी ने पूछ लिया, छोरा कहां से लाया, फिर तनिक गया वे तो छोरा कहां, तुम देखना जो दूल्हा होन घोड़ी पे जाए ना, ये वैसे घोड़ी पे बैठा बैठा यूं चो जाए, फिर जैसे इनकी कोई निछावर करने आए 10 रुपए से तो यूं चो जाए, फिर यूं, फिर निछावर करे से तो यूं, तो ये छोरा कहां से लाया, फिर तनी गए तो 10 रुपए का, वो तो मैंने रिंग फेंका, कितना लोग लगा था, एक के भी नहीं आए ना, मारे पाउडर का डिब्बा ही नहीं गया। अब इसने तो कह दिया पाउडर का डिब्बा आ गया, और इसकी मम्मी के समझ में आ गया 3 दिन से वो 2 रुपया नहीं मिल रही, अभी के दो दो के पाउडर बना दिया। अब रावण को थोड़ा सा अहंकार आ गया, वैसे तो लंकाधिपति रावण को अभिमान तो था, बहुत था, पर आज विजय प्राप्त कर आ रहा है, आज जीत कर आ रहा है, कुबेर कुबेर का खजाना जीत कर आ रहा है, कुबेर पद को जीत कर आ रहा है, और जो अलकापुरी से जीत कर आ रहा था, और सामने नंदीश्वर आ गए, भगवान शंकर के गण आ गए, और जो नंदीश्वर आए, जो शिव के गण आए, इसने क्रोध में आकर अहंकार की भाषा कह दी, अरे कौन हो तुम, कौन हो। नंदी ने कहा तुम मुझे पहचानते नहीं हो, रावण नंदी को कई बार मिल चुके थे, क्योंकि रावण किसकी आराधना करते थे, शिव जी की। जब रावण भगवान शंकर की आराधना करते तो नंदी से मिले होंगे कि नहीं मिले होंगे, कई बार मिल चुके थे, पर व्यक्ति जब जीत कर आता है
और व्यक्ति के भीतर अहंकार आ जाता है, तब वो पूछता है तुम कौन? साहब हम तो तुम्हारे मोहल्ले में रहते थे ऊपर किराए के मकान में, तुम नहीं पहचाने हमको, हूं तुम कौन? मतलब जीता है, अभिमान आ गया, अहंकार आ गया, तुम कौन? हम तो आपके ही मोहल्ले में रहते हैं, हम तो आपकी कॉलोनी में रहते हैं, आपके क्षेत्र में रहते हैं, और आप तो हमारे यहां दो चार बार आके चाय भी पी के गए, और तुम ही पूछ रहे तुम कौन? अब रावण के नंदी से तुम कौन? तो नंदी ने कहा, लंकाधिपति लंकेश, क्या तुम भूल गए मुझको? शिवगण नंदी हूं मैं। इतने में लंकेश के मुख से निकल गया, हंसकर ठहाका लगाकर रावण ने कहा, रावण संहिता में लिखा है, आप पढ़ सकते हो, रावण संहिता में लिखा है कि लंकाधिपति रावण ने ठहाका लगाया, हंसा और हंसते हुए कहा, जरा अपना मुख देखा है तुमने? अपने मुख को देखा है आपने? बहुत अंतर है महाराज, जो बार बार मुख दिखाने की बात करे ना वो रावण है, और जो स्वयं अपना मुख दर्पण में देख ले वो दशरथ है। दशरथ जी ने सिंहासन पर बैठकर दर्पण बुलाकर अपना मुख देखा था, और देखा कि मेरे बाल श्वेत हो गए हैं। दर्पण दशरथ जी ने जो खुद का मुख देखा वो दशरथ हैं, जो स्वयं का मुख देखे वो राम है, जो स्वयं का मुख दर्पण में देखे वो कृष्ण है, जो दर्पण में स्वयं अपना मुख देखे राम वो दशरथ हैं, और जो दूसरे को मुख देखने का कहे वो रावण और कंस हैं। जैसे रावण ने कहा, विभीषण को भी कहा था, तुम मेरा होकर मुझे ज्ञान देता है, जा जरा दर्पण में मुख देख अपना, और रावण ने नंदी को भी कहा था, शंकर भगवान के गण को भी कहा, जा जरा दर्पण में मुख देख, जो बार बार दूसरे को मुख देखने का कहे, दूसरे पर उंगली उठाए, जरा मुख देख करा, जरा मुख देख करा, समझ लेना वो रावण ही हो सकता। दूसरे पर उंगली उठाने से पहले, दूसरे पर अपशब्द कहने से पहले, दूसरे पर ताना देने से पहले, दूसरे को गाली देने से पहले, दूसरे पर अपशब्द कहने से पहले, दूसरे पर लांछन लगाने से पहले, दूसरे को वाणियों से अपशब्द कहने से पहले, अपने भीतर झांक कर देखो कि तुम कैसे। दूसरे को दर्पण देखने का कहते हैं रावण, रावण कह रहे नंदी को कि जरा दर्पण में मुख देख कर आ, रावण ने विभीषण को भी कहा था कि जरा दर्पण में मुख देख कर आ, वो रावण राक्षस असुर प्रवृत्ति का। हम क्यों कहें, अरे तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। हम क्यों कहें, क्या किसको रोई है चादर तान के सोई, एक भक्त आया था आगरा से, तीन इधर चिपका गया, तीन इधर चिपका गया, एक में लिखा है तेरा क्या होगा रे कालिया, और क्या किसको रोइए चादर तान के सोई। जो जो शिव महापुराण में बोलते हैं ना वो उसने लिख के लिया आया और चिपका के चले गए। तुमने कहा तो चिपका रहा है? हाँ गुरु जी, कभी कभी कथा नहीं होती है ना तो लोग पढ़ के ही चले जाएंगे, नहीं सुनेंगे, पढ़ेंगे तो सर चिपका गया। अच्छा शंकर जी के जितने भगत हैं नहीं सब इनसे कम, जो आए नहीं है सब इनसे कम नहीं हो सकते, और सब
अब वो 8-10 माताएं मिलके वो कुआं के पास में वो पत्थर उन पड़े उसी पे बैठ के घर से टिफिन लाई होंगी तो भोजन कर रही होंगी। हमने मन में सोचा बताओ कैसे पत्थरों पे बैठी होगी, कैसे भोजन कर रही होगी, कंकरी कंकर तो सब दूर है, कैसे विचार कर रही होगी। हमने अंदर से उसको बोला आकाश को कि आकाश बोल क्या हो, थोड़ा अच्छी वाली जगह पे बैठ के भोजन कर लो जहाँ पर अच्छी साफ जगह। तो वो तो कह नी तो सब मन ऐसा दुखे कि एक आध लड्डू लुढ़क गया, मान लो कभी कभी हो जाता है, है? उसमें वो एक बार वो कहाँ वो नर्मदा जी का तट बड़वानी का खलघाट, वहां खड़घाट साइड कथा हो रही थी और जजमान बोले कि गुरुदेव गुरुदेव। हमने कहा क्या है, तो कहे गुरुजी यहाँ पर अपन सब मिलके, हमारा मन है कि सारा कार्यकर्ता मिलके यहाँ पर दाल वाफला बनाए, दाल बाटी बनाए, ठीक है बनाई लो और बनाओगे नर्मदा जी का घाट, माई को भोग लग जाएगा, भोजन कर लेंगे, कोई बात नहीं बनाओ। अब उन्हें शाम पड़ा बापला उन बनाया और बापला बनाने बढ़िया शिक्षिका कर बढ़िया जोरदार तैयार, और जो तैयार ने सब जो खाना पड़े बापला, एक बाजू में बैठा था मही का सरपंच साहब और जो बापला उसके पास आया और जो उन्हें बापला के तोड़ा और तोड़ते सी उमे बाली बाल निकला, अब बाली बाल निकला, अब जो बाल निकला तो बापला घबरा गया, बापला में बाल, अब सबके लगा कि यहां तो कुछ गड़बड़ हो गया। अब ये तो बोले गड़बड़ हो गया पर हमने जिसने बापला बनाया उससे पूछा इधर आ रहे, फिर बापला में बाल कहां से आया इतना सारा, तो के एक बाफला हम बना के ऐसे रखे थे वो लुढ़क गया, लुढ़क गया तो आगे गया, तो हम गए तो हमने कहा भगवान का चमत्कार हो गया, एक की जगह दो बाफला मिल गया। तो हमने कहा एक से दो कैसे हो गया, यही तो समझ में नहीं आया, नरबदे हार एक की जगह दो बाफला हो गया। हमने कहा जरूर किसी बच्चे की बेचारा की जमाल उतारी होगी, लोया में भरी होगी, उसका गोला बनाया होगा, उके धरा होगा और ये गया तो उके उठा के उबाल दिया होगा, गोला में खा ले। दे राम, अब ये तो समझे चमत्कार हो गया, नरब देहार दो दो बाफले घर, अब इनके बने लोहे तेरे शंभू। भगवान अब इनने ठीक जहां तुम्हारी मर्जी पड़े, शंकर कंकर शिव आनंद है, हर हर महा। अब नंदी को देखकर लंकाधिपति रावण को थोड़ा सा अभिमान जो आया और अभिमान के शब्द कह दिया, अहंकार के शब्द, जरा दर्पण में मुख देख करो, जाओ जरा दर्पण में मुख देखो, दर्पण में अभिमान के शब्द, नंदी को क्रोध आ गया और नंदी ने कहा, अब देखो नंदी शिव के साथ रहते हैं तो नंदी भले वृषभ का मुख लगा हो पर हृदय निर्मल है महाराज, सत्यम शिवम सुंदर, नंदी सुंदर है। जो शंकर की आराधना करने वाले होते हैं ना, शिव का भजन करने वाले होते हैं, शिव की आराधना करने वाले होते हैं, शंकर का स्मरण करने वाले होते हैं, शिव तत्व को जानने वाले होते हैं, शंकर के मंदिर जाने वाले होते हैं, शंकर पर एक लोटा पानी चढ़ाने वाला, एक बेलपत्र चढ़ाने वाला, शिव का अभिषेक करने वाला, शंकर का अनुमोदन करने वाला जो होता है वो भीतर से, बाहर से कैसा भी दिखे जब, पर भीतर से वो निर्मल होता है, उसके भीतर कपट नहीं हो सकता। उसके भीतर कपट नहीं हो सकता, वो तो केवल भाव लेकर जाता है, तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगर आती हूँ, तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगर